दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हरियाणा के पिछले वर्षों के कुल 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम हरियाणा क्लर्क, पुलिस और पटवारी, हरियाणा की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन 30 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और साथ में आपको ये भी बताना है कि इन 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन, राज्य में कितने विकलांग विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन आपके हैं 5, 6, 10 या 12। देखते हैं क्या आंसर होगा। बी, राज्य में कुल 6 विकलांग विश्वविद्यालय हैं। दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा का मुक्केबाज कौन है? ऑप्शन आपके हैं सुरेश यादव, श्रीचंद्र, बहादुर सिंह, गिरवर सिंह। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, हरियाणा का मुक्केबाज है गिरवर सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत को वर्ष 1983 का विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेट कप्तान का नाम क्या है? ऑप्शन आपके हैं कपिल देव, नवाब पटौती, विजय यादव, अजय जडेजा। भारत को वर्ष 1983 का विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेट कप्तान है कपिल देव। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके हैं औद्योगिक, श्रमिक, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, खेल। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार औद्योगिक श्रमिक क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता जो योजना है, ये किस राज्य में लागू की गई है? किस सन में लागू की गई है, सॉरी। ऑप्शन आपके हैं 1 जनवरी 2006, 1 मार्च 2006, 1 मार्च 2005, 1 जनवरी 2005। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, ये 1 जनवरी 2006 में लागू की गई है। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं महिलाओं से, सैनिकों से, स्वतंत्रता सेनानियों से, कृषकों से। देखते हैं आंसर क्या होगा ए, वंदे मातरम योजना महिलाओं से संबंधित है। अगला, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, करनाल। अगला क्वेश्चन, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन आपके हैं कपिल देव, ब्रजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, साइना नेहवाल। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जाने जाते हैं। अगला है, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन, कल्लड़, गोपाल सिंह। देखते हैं क्या होगा। बाण भट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल एक बड़ा व्यापारिक केंद्र तक यहाँ घोड़ों का व्यापार होता है? पेहवा, थानेसर, जगाधरी, कुरुक्षेत्र। तो देखते हैं क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, पेहवा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया? ऑप्शन आपके हैं अब्दुल रहमान खान, वी मुनीर बेग, सी समंद खान, डी गुलाब खान। आंसर हो जाएगा आपका ए, अब्दुल रहमान खान को लटका दिया गया फांसी पर। अगला, राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन आपके हैं पंचकूला, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव। तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं सर्वाधिक वन? ए, पंचकूला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर आईटी पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? मानेसर, पंचकूला, ए और बी, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों, मानेसर में भी, पंचकूला में। आंसर हो जाएगा आपका सी।
चौदहवा क्वेश्चन, निम्न में से किस उत्सव को बांसवाड़ा भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके हैं शालोड़ी, बी है श्री साते, सी निर्जला गिलास और डी है वर्डसिया नवमी। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी श्री साते। अगला, कटलुआ आभूषण को कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन आपके हैं ताठ बाजू में, बी उंगली में, सी पैर में, डी गले में। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए ताड़ू बाजू में। अगला है, किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे राजकोट की द्वितीय भाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके हैं ए हरियाणवी, बी खड़ी, सी पंजाबी, डी अंग्रेजी। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी पंजाबी। अगला क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय को एफिलेप्टिंग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन आपके लिंगाया विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, सी दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। 18वां क्वेश्चन, अपने प्रतिद्वंद्वी को लगातार 2 बार हराकर भारत केसरी व हिंद केसरी बनने वाले खिलाड़ी कौन थे? यह है चरंगी राम, बी उदय उदयचंद, सी लीला राम, डी है भीम सिंह। आंसर हो जाएगा आपका चरंगी राम। अगला है, राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ किया गया? 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2003, 2 अक्टूबर 2005, 15 अगस्त 2004। देखते हैं ऐसा क्या होगा। आंसर हो जाएगा कभी 2 अक्टूबर 2003। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को वर्ष 2011-12 कब आरंभ किया जा रहा है? ऑप्शन आपके हैं ए 5 जिलों में, बी 10 जिलों में, सी सभी जिलों में, डी उपयुक्त उपयोग में कोई नहीं। देखिए आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी सभी जिलों में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती। हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। अगला है, पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? रोज गार्डन, यादविंद्र गार्डन, सुल्तानपुर गार्डन, कर्ण लेक गार्डन। लेकिन क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी यादविंद्र गार्डन। अगला है, एशिया का सबसे परावर्ती दूरदर्शी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके हैं कोडाई कनाल, उटग, कावालूर, नैनीताल। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी कावालूर। अगला है, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों की नगरी कहा जाता है? मंदगढ़, फतेहाबाद, करनाल, पानीपत। नहीं, आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी करनाल, सॉरी पानीपत। अगला है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन आपके रोहतक, बी कुरुक्षेत्र, सी पानीपत, डी सोनीपत। एक आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी सोनीपत। अगला है, प्रसिद्ध सूफी संत चेक चिश्ती का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? हौसी, सोनीपत, पानीपत, थानेसर। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा कटी थानेसर। अगला है, सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की? ऑप्शन आपके मेरठ विश्वविद्यालय, बी आगरा विश्वविद्यालय, सी पेशावर विश्वविद्यालय और डी है जयपुर विश्वविद्यालय। आंसर हो जाएगा आपका बी आगरा विश्वविद्यालय। अगला है, किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? पानीपत, सोनीपत, थानेसर, हासी। आंसर हो जाएगा आपका सी थाने सर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? तीज, निर्जला एकादशी, सलोड़ी, श्री साते। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए तीज। अगला है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4, 5, 6, 7। 5 राज्यों को स्पर्श करती है।